छोड़ा जाता है सिर्फ इसलिए कि जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो नारियल इसलिए तोड़ा जाता है। आपको पता है एक बार विश्वामित्र जी नाराज हो गए। कौन नाराज हुआ? विश्वामित्र जी। एक दिन विश्वामित्र जी नाराज हो गए ब्रह्मा जी से, बोले तुम सृष्टि करते हो तो नूतन सृष्टि मैं करूंगा। नहीं, हमारे ऋषि मुनियों में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपनी एक नई सृष्टि कर सकते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी नाराज हो गए और विश्वामित्र जी ने अपनी नई सृष्टि प्रारंभ की कि मैं अपनी नई सृष्टि बनाऊंगा, मैं अपनी सृष्टि का मैं ब्रह्मा बनूंगा। तो नारियल किसका बनाया हुआ है आपको पता है? ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नारियल नहीं है, नारियल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। एक बार विश्वामित्र जी ने एक नई सृष्टि प्रारंभ की और उस नई सृष्टि में सबसे पहले उन्होंने जो बनाया वो मनुष्य ही बनाने जा रहे थे। इसलिए आपने कभी नारियल को गौर से देखा हो, जैसे मां के पेट में बच्चा होता है तो थैली के अंदर पानी भरा होता है, पानी के बीच में बच्चा रहता है, उसी प्रकार नारियल भी पानी के बीच में होता है, गोले के भीतर पानी भरा होता है। आपने ध्यान से देखा होगा नारियल में भी दो आंखें होती हैं, है ना? एक्चुअली ये ब्रह्मा जी के सृष्टि का हिस्सा नहीं, विश्वामित्र जी ने बनाया कि मैं अपनी सृष्टि करूंगा, अलग सृष्टि करने चले। तब उन्हें श्री वशिष्ठ जी ने रोका विश्वामित्र जी को, कहा आप प्रकृति से, ईश्वर की रचना से छेड़छाड़ ना कीजिए। माना कि आप तपस्वी हैं, नूतन सृष्टि कर्ता कहा गया है श्री विश्वामित्र जी को, तो वो बना पाए क्या? नारियल बना पाए। तो पूरा ना बन पाया, केवल वो अंश रह गया। तो वो नारियल मंदिरों में इसलिए चढ़ाया जाता है कि नारियल तोड़ने का अर्थ है कि हे प्रभु, मैं इस बात को मानता हूं कि जो हो रहा है वो मैं नहीं आप कर रहे हैं। तो नारियल मीन्स मैं अपना अभिमान तोड़ रहा हूं कि मैं कर रहा हूं। नारियल तोड़ने का तात्पर्य है कोई भी शुभ कार्य में नया घर प्रवेश करते हैं तो नारियल तोड़ना मतलब अपना एटीट्यूड, अपना अभिमान तोड़ना है कि प्रभु मैं कभी ये ना कहूं कि ये घर मेरा है, ये सदा ये कहूं कि प्रभु ये सब कुछ आपका, संपत्ति सब रघुपति के आए। नारियल तोड़ने का अर्थ है अपना अभिमान तोड़ना। पर नारियल तोड़ते गए।